सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को हम देखते हैं। यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 4 वचन 7 से। यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 4 वचन 7 से आइए देखते हैं। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का दास जो यूहन्ना है वह कह रहा है, परमेश्वर के विषय में और प्रेम के विषय में बातचीत करते हुए कह रहा है, कहता है कि हे प्रियो, कहता है हे मनुष्य की संतानों, या हे परमेश्वर के लोगों, कहता है कि हम आपस में प्रेम रखें। ये परमेश्वर की इच्छा है। कहता है परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम क्या करें, आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम रखें। क्योंकि परमेश्वर हर एक व्यक्ति से यही चाहता है कि मनुष्य क्या करें, आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम रखें। वो परमेश्वर प्रेम से खुश होता है, मेल मिलाप से खुश होता है, भलाई के कामों से खुश होता है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि हे प्रियो, क्या करें, हम आपस में क्या करें, प्रेम करें। वो कहता है कि आओ हम सब मिलजुल कर आपस में प्रेम का काम करें। वो कहता है इसलिए क्योंकि प्रेम परमेश्वर से, कहता है कि इसलिए हम आपस में प्रेम करें, क्योंकि ये जो प्रेम शब्द है ना, ये परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। ये प्रेम शब्द किससे उत्पन्न हुआ है? परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। क्योंकि जीवन का जो मूल है वह प्रेम है, क्योंकि प्रेम से वह परमेश्वर खुश होता है, और ये प्रेम शब्द परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। जहां प्रेम होता है वहां परमेश्वर होता है, जहां प्रेम नहीं होता वहां परमेश्वर नहीं होता है। क्योंकि हमारी कहावतों में ये बातें, हम बचपन से ये बात सुनते आए हैं कि पुरखों के दिनों से कि कहा गया है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुए, पंडित भया न कोई, और ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। यानी संसार, तमाम सारे ज्ञान को, संसार के ज्ञानों को बटोर कर इकट्ठा करता है, लेकिन फिर भी वह पंडित नहीं होता है। पंडित का मतलब ये होता है, पंडित का मतलब है जो पवित्र है। पंडित का अर्थ है पवित्र होना, जो बिल्कुल पवित्र है वह पंडित है, और जो परमेश्वर को पा गया है वो पंडित है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, कहता है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुए, यानी ये संसार क्या है कि तमाम पोथियों को पढ़ पढ़ कर क्या है, मर गया, लेकिन कोई पंडित नहीं हुआ, कोई पवित्र नहीं हुआ, कोई परमेश्वर को नहीं पाया। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। ये ढाई अक्षर का जो प्रेम शब्द है, अगर इस शब्द को जो पढ़ लेता है, इस शब्द को जो जान लेता है ना, समझ लेता है ना, वो सच में परमेश्वर को पा जाता है, वो सच में पवित्र हो जाता है। तो इसीलिए बाइबल की वचन कहती है कि प्रेम परमेश्वर से, जो प्रेम शब्द है ये परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। कहता है जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा हुआ होता है। जो कोई व्यक्ति आपस में प्रेम रखता है, जिस व्यक्ति के भीतर प्रेम होता है, वह व्यक्ति परमेश्वर से जन्मा हुआ होता है, और परमेश्वर को वो व्यक्ति जानता है। जिसके भीतर प्रेम है वो परमेश्वर को क्या करता है, जानता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर कोई व्यक्ति किसी से प्रेम रखता है, उसके प्रेम के पीछे कोई स्वार्थ है, तो वो प्रेम नहीं कहलाता, वो स्वार्थ कहलाता है। प्रेम का मतलब होता है त्याग, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति किसी से प्यार करता है और उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, तो वह प्रेम है।
अगर स्वार्थ छुपा है वह प्रेम नहीं है। इसलिए कहता है कि वह व्यक्ति जो प्रेम रखता है वह परमेश्वर को जानता है और वह परमेश्वर से जन्मा भी है। कहता है जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को न जानता है। कहता है जो व्यक्ति प्रेम ही नहीं रखता, जो एक दूसरे से प्रेम नहीं रखता, जो अपने अंदर किसी के प्रति प्रेम नहीं रखता, वह व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जानता। कहता है इसलिए क्योंकि बताए वो बाइबल बताती है, इसलिए क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। क्योंकि जिसके पास प्रेम है वह परमेश्वर परमेश्वर को जानता है और वह परमेश्वर से जन्मा है, और जिसके पास प्रेम नहीं वह परमेश्वर से जन्मा नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर क्या है? प्रेम है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा बाइबल बताती है कि परमेश्वर प्रेम है, तो अवश्य है कि हमें भी अपने अंदर प्रेम रखना चाहिए, हमें भी एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रकट करना चाहिए। जब हम आपस में प्रेम रखते हैं, अपने अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम रखते हैं, तो परमेश्वर हमारे अंदर होता है और हम परमेश्वर के अंदर होते हैं। इसलिए मेरे प्यारे जरूर है कि आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम रखिए, मेल मिलाप रखिए, एक दूसरे के ऊपर दया करिए, एक दूसरे के साथ भलाई का काम करिए, तो जरूर है कि परमेश्वर आपके पास होगा और जरूर है कि आप परमेश्वर के द्वारा जन्मे। आमेन, हालेलुया। आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। इस सुबह की प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में एक बड़ी ब्लेसिंग देगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है सुराजा, तेरे नाम में प्रार्थना करता है पिता। अपने पवित्र सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार हो रहे हैं प्रभु। अपने हाथों के द्वारा इन्हें स्पर्श कर ताकि इनके जीवन में एक बड़ी ब्लेसिंग प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, इनके द्वारा कोई पाप कोई गुनाह हुआ है तो उसे माफ कर। हे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि आज पूरी रात इन्हें सलामत में रखा, सुरक्षित और भला चक्कर रखा, नया दिन नया जीवन दिया, नई सुबह दिया। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आज पूरे दिन इनके द्वारा कोई पाप कोई गुनाह न होने पाए, हर पाप हर गुनाह से इन्हें बचा कर रख। हे परमेश्वर, आज इनके जीवन में कोई निराशा है तो उस निराशा को समाप्त कर, इनके जीवन में एक नई आशा उत्पन्न हो। हे परमेश्वर, जितने रुके हुए अधूरे काम आज पूरे हो जाए यीशु के नाम में प्रभु। इनके जीवन की सारी इच्छाएं पूरी हो जाए, सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए मेरे महान परमेश्वर। प्रार्थना करते जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इनमें से हे परमेश्वर जो बीमार है प्रभु, अभी तेरा स्पर्श उन्हें होने पाए और उनके शरीर से सारी बीमारी निकल जाए। यदि मस्तक में कोई बीमारी है, कान में हो, आंख में हो, नाक में हो, मुंह में हो, नष्ट होने पाए, गले में हो, सीने में कोई बीमारी हो या पेट में कोई बीमारी हो, यीशु के नाम से निकल जाए। कमर में दर्द हो, रीढ़ की हड्डियों में दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो, निकल जाए। ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारी हो तो निकल जाए। कोई दमा की बीमारी हो, एचआईवी हो, टीबी हो, कैंसर हो, नष्ट होने पर। हाँ मेरे महान परमेश्वर, कितनी भी पुरानी जख्म सूख जाए, थोड़ी फुंसियां नष्ट होने पर मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, हम विनती करते हैं कि जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, हे परमेश्वर अपेंडिस, हार्निया, फाइलेरिया, थायराइड की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए, शरीर में पथरी हो नष्ट हो जाए, जुखाम हो, खांसी हो, बुखार हो, नष्ट हो जाए, टाइफाइड मलेरिया, उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज खुजलिया नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो, पीलिया, एस्ट्रोफीलिया बीमारी, लहू पाने की बीमारी निकल जाए। महान परमेश्वर प्रार्थना करते जितने लोग तेरी प्रार्थना को रिसीव कर रहे प्रभु, हर एक के जीवन में बड़ी ब्लेसिंग होने पाए। ओ रिली वास्तन दूरी बास सखा लवन दे ले रे आबा लबा सिंदे ले रे वास लबा सबा रबा से केरे दे। महान परमेश्वर, तो अपने स्वर्ग की आशीष हर एक के जीवन में आने दी, अपने स्वर्गीय भंडार को खोल और ताकि हर एक के जीवन में बड़ी ब्लेसिंग हो, बड़ा चमत्कार होने पाए। रिसीव करो आशीष को, क्योंकि आपके जीवन में देखो प्रभु का स्पर्श हो रहा है, आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने जा रहा है, अद्भुत चमत्कार होने जा रहा है। रिसीव करो आशीष को, रिसीव करो आशीष को। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हे परमेश्वर, जितने बीमार चंगे हो जा, जो नौकरी की तलाश में नौकरी मिले, रोजगार की तलाश में रोजगार मिले, जो पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ने पाए, जो सेवकाई में उस सेवकाई में आगे बढ़ने पाए, उनके जीवन में प्रभु सब कुछ नया होने पाए। ओ प्रभु, अपने अपने स्वर्ग का भंडार खोल और स्वर्गीय आत्मा से हर एक को भर दे। ओ पवित्र आत्मा रे को सुले। हाँ मेरे महान पिता, मैं प्रार्थना करता हर कोई आत्मा में भर जाए और आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने पाए।
ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ मेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पे बनाए, अनुग्रह शांति से भर दे मेरे प्रभु, यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर की कृपा से यीशु। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।